नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बात करें इल्म फलकियात की इब्तदा के बारे में। इल्म फलकियात जो सितारों और सियारों का इल्म कहलाता है, इसकी इब्तदा उसी दिन शुरू हो गई जब इंसान ने इस धरती पर पहली मर्तबा कदम रखा और आसमान को देखा। ताहम इसको समझने का आगाज़ किया और जस्तजू के साथ साथ इसके गौर फिक्र की कोतों में इजाफा हुआ। सिलसिले में सबसे पहले यूनान में इस इल्म का शऊर पैदा हुआ। इसके बाद रोम, इटली और अरब के साथ साथ कदीम बरसग़ीर की तहजीबों ने अपने अपने ज़माने अरूज में इसको परवान चढ़ाया और इसमें तरमीम व इजाफे के साथ साथ इसके असूल व ज़वाबित मुरातब किए। दौर जदीद में साइंसी तहकीकात की रोशनी में इसमें मज़ीद तरमीम व इजाफात के साथ साथ इसके असूल व ज़वाबित जदीद पैमाने पर मुरतब किया गया और इसको इस कदर आसान कर दिया गया कि हर शख्स अपनी अपनी इस्तेदाद इल्मी के साथ इसको बआसानी समझ और पा सके और इस मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, ताकि इस दुनिया की मादी और रूहानी मुश्किलात से अपना पहलू बचाता हुआ आगे बढ़ सके। ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने मुआशरे की सेहतमंदी और इस्लाह का काम भी बखूबी अंजाम दे सके। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो इल्म फलकियात की इब्तदा के बारे में थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी वीडियो निज़ामुल बुरूज के बारे में होगी। उसमें आपको बताया जाएगा कि ये बुरूज वजूद में किस तरह आए हैं। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।